हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिशेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था, आज का ये वीडियो जो है वो 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें कुछ प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि पीथ टर्म जो है उसका वो ए है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी की वैल्यू क्या हो गई, ए। ठीक है, वैसे ही ए क्यू की वैल्यू क्या हो गई, बी, और ए आर की वैल्यू क्या हो गई, सी। हम यहाँ पे ये भी अज्यूम कर लेते कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और बस ये यही करना था। तो अगर ए पी हमें ए दिया है तो उसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर वन। सेम वैसे ही बी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर टू। और सी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है ना उसको ध्यान में रखना है हमें, और उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे सारी जगह पे आप ए बी सी की वैल्यू प्रूव पुट कर दो तो भी सीधा आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है कि क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी। वैल्यू तीनों की हम पुट करें इसमें अगर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्यू माइनस आर ए प्लस पी डी माइनस डी, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, पी डी माइनस डी। सेम ऐसा ही यहाँ पे आर माइनस पी, बी की वैल्यू है ए प्लस क्यू डी माइनस डी प्लस पी माइनस क्यू, सी की वैल्यू जो है वो ए प्लस आर माइनस मतलब आर डी माइनस डी। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमें ज़ीरो लेकर के आना है। तो सिंपल है कि अब मल्टीप्लाई करते जाऊँ तो ये देखो थोड़ा लंबा होगा क्यू ए, फिर यहाँ पे जाएगा तो पी क्यू डी माइनस क्यू डी। सेम ऐसे आर से करें तो आर ए माइनस आर पी डी प्लस आर डी। ओके, तो सेम यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन, अब आर ए प्लस आर क्यू डी माइनस आर डी माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी प्लस पी डी प्लस पी ए प्लस पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी माइनस माइनस प्लस क्यू डी। कैंसिल करो तो देखो पहले ये क्यू ए कैंसिल होगा, ये क्यू ए कैंसिल होगा, आर ए आर ए पी ए पी ए पी क्यू डी जो है प्लस और पी क्यू डी माइनस कैंसिल, क्यू डी माइनस ये क्यू डी प्लस कैंसिल, आर पी डी पी आर डी प्लस माइनस है कैंसिल, ये आर डी माइनस आर डी प्लस माइनस कैंसिल, आर क्यू डी और क्यू आर डी प्लस माइनस कैंसिल, और ये पी डी कैंसिल।
तो इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हो 0 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16। क्या बोला है 16 में कि इफ़ ए ब्रैकेट में 1/b + c, बी ब्रैकेट में 1/c + 1/a, सी ब्रैकेट में 1/a + 1/b आर इन ए पी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। तो ये प्रूव करने के लिए आपको गिवन क्या है वो समझ लो पहले, कि ए 1/b + 1/c, बी 1/c + 1/a, सी 1/a + 1/b आर इन ए पी। तो ये ए पी में है, इसका मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो मैं ऐसा ही इधर लिखूँ कि एडिंग वन टू ईच मेंबर हम कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो भी एपी में ही होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर यहाँ पे वन ऐड किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ये भी एपी में होगा। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे है वो समझना। ये जो मैंने वन ऐड किया है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। इधर ए अपॉन ए कर सकता हूँ, वो वन ही होगा। यहाँ पे भी मैं बी अपॉन बी कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सी अपॉन सी। एक तरह का मैनिपुलेशन ही है ये पूरा, ये भी एपी में ही होगा, आर इन एपी। हमने कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ तक, अगर आप समझो तो। ठीक है, बस जो उन्होंने कंडीशन दी है हम उसको ही बरकरार रखते हैं अभी तक। देखो ये तीनों में, इन दोनों में से तो ए है ही, यहाँ से भी मैं ए कॉमन निकालूँ तो ये ऐसा होगा 1/a + 1/b + 1/c। बी अगर कॉमन निकले तो यहाँ पे भी 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ से भी ये सी है तो 1/a + 1/b + 1/c आर इन ए पी। ठीक है, अब समझना ध्यान से, क्या है मैं तीनों टर्म को ये 1/a + b, 1/b + 1/c, 1/a + 1/b + 1/c से मैं डिवाइड कर लूँ तो ये ऐसा होगा। ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिवाइडिंग विथ, तो ये क्या बनेगा ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेवेंटीन नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए बी सी डी आर एन जी पी, प्रूव दैट ए पावर एन प्लस बी पावर एन कॉमा बी पावर एन प्लस सी पावर एन कॉमा सी पावर एन प्लस डी पावर एन आर एन जी पी। ये आपको प्रूव करना है। तो मान लो कि जो आपके चार टर्म है वो ए, लेट ए इज़ इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू ए आर, सी इज़ इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इज़ इक्वल टू ए आर क्यूब। ठीक है, अब आपको जो बोला गया है वो समझ लो, हमें प्रूव ये करना है कि ये तीनों टर्म जो है वो जी पी में है। तो इसका मतलब ये होगा कि इफ़ वी हैव टू प्रूव, नहीं, अगर ये तीनों टर्म जी पी में हो तो वी नीड टू प्रूव, इफ़ निकाल दो, वी नीड टू प्रूव
क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि बी पावर एन प्लस सी पावर एन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू सी पावर एन प्लस डी पावर एन अपॉन बी पावर एन प्लस सी पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड हमें लेके आना है कि इन दोनों का रेशियो सेम हो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है। ये क्यों ऐसा कि अगर कोई भी तीन टर्म जीपी में है तो इसमें ये ए वन हो, ए टू हो और ए थ्री हो, तो यहाँ पे हमें ये लिख सकते हैं ना ए टू अपॉन ए वन इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए टू, वही इसलिए बी पावर एन हमारे पास वैल्यू है वो डाल देते हैं। बी पावर एन को लिख सकता हूँ मैं ए आर पावर एन, ए आर स्क्वायर पावर एन, ए पावर एन और ए आर पावर एन कॉमन निकलेगा ए पावर एन, तो यहाँ पे आर पावर एन बचेगा प्लस आर पावर टू एन बचेगा। नीचे भी ए पावर एन कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा आर वन प्लस आर पावर एन। ठीक है, चलिए ए पावर एन कैंसिल, तो यहाँ पे बचे जो बचा है उसमें से भी अगर आर पावर एन कॉमन निकालो तो ये वन प्लस आर स्क्वायर बचेगा, नीचे वन प्लस आर पावर एन, ऐसा ही कुछ। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना हम, कुछ गलत किया हुआ है हमने यहाँ पे। ए पावर एन हमने कॉमन निकाली तो वन प्लस आर पावर एन बची है, यहाँ से मैंने आर पावर एन कॉमन निकाली तो आर पावर एन बचेगी, आर पावर टू नहीं बचेगी। देखो आर पावर एन इंटू आर पावर एन ऐसा होता है, तब जाके ये आर पावर टू एन बचेगी, मेरी गलती थी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया और आर की पावर एन ये रेशियो मिला है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड का रेशियो निकाल दो, वही रेशियो अगर आ गया तो हम बता सकते हैं कि वो भी जो है वो जी पी में है। सी पावर एन प्लस डी पावर एन बी पावर एन प्लस सी पावर एन, सी की जो वैल्यू है वो ए आर स्क्वायर की पावर एन प्लस ए आर क्यूब की पावर एन, ए आर स्क्वायर की पावर ए आर पावर एन प्लस ए आर स्क्वायर की पावर एन। कॉमन आप निकाल सकते हो यहाँ से ए आर स्क्वायर मतलब कि ए पावर एन इंटू टू ए पावर टू एन, तो ये वन प्लस आर पावर एन बचेगी। फिर यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो आप ए पावर एन आर पावर एन, वन प्लस आर पावर एन बचेगी यहाँ पे कॉमन, दोनों कैंसल, ये कैंसल। यहाँ पे आप निकाल सकते हो आर पावर टू एन अपॉन आर पावर एन है, तो आर पावर टू एन माइनस एन इज इक्वल टू आर पावर एन, बराबर। तो आपको यहाँ पे दोनों का रेशियो इक्वल मिल गया है, मतलब कि आप यहाँ से बोल सकते हो कि दैट्स वाई ए पावर एन प्लस बी पावर एन कॉमा बी पावर एन प्लस सी पावर एन कॉमा सी पावर एन प्लस डी पावर एन आर इन जी पी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से। ए बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड सी डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, वेर ए बी सी डी फॉर्म जी पी, प्रूव दैट ए। ठीक है, आपको ये समझना है कि ए, देखो पहला इक्वेशन जो है उसको समझ लो कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको पता है कि दो रूट्स का एडिशन मतलब कि ए प्लस बी विच इज़ नथिंग बट माइनस, आपको पता है ना ये माइनस ए अपॉन बी, सॉरी माइनस बी अपॉन ए उसके हिसाब से, बराबर। तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे ए और बी आपको सिर्फ कोएफिशिएंट समझने हैं, तो वो माइनस 3x
थ्री अपॉन वन के हिसाब से ये थ्री हो जाएगा, मतलब कि ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी थ्री। और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए के हिसाब से, तो पी अपॉन वन के हिसाब से ए इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी पी। ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन हो कि सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि दो रूट्स का एडिशन माइनस ए अपॉन बी के हिसाब से 12 अपॉन वन, ये 12 हो जाएगा एंड सी इंटू डी इज इक्वल टू ये क्यू हो जाएगा। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर थ्री। ये पूरा साथ में इक्वेशन नंबर हम थ्री बोल देते हैं इसको, ठीक है। रिजल्ट अब आपको ये दिया गया है कि ए बी सी एंड डी आर इन जी पी, सो लेट ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब, ठीक है। जो प्रूव करना है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। आपके पास ना तो क्यू की वैल्यू है, हाँ क्यू और पी की वैल्यू है इक्वेशन में, पी की वैल्यू ए बी है, क्यू की वैल्यू सी डी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, सी डी प्लस ए बी, सी डी माइनस ए बी, ठीक है। चलो सी डी की वैल्यू, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। ध्यान से समझना अभी, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर पावर फाइव प्लस ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर पावर फाइव माइनस ए स्क्वायर आर। ए स्क्वायर कॉमन निकालो तो ओके, ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन निकालो तो आर पावर फोर प्लस वन, ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन निकालो तो आर पावर फाइव माइनस वन, फोर माइनस वन दोनों कैंसल, तो आपको जो रेशियो मिला है किसका, ये क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, इसका जो रेशियो मिला वो आर पावर फोर अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर पावर फोर, मतलब ऐसा आर पावर फोर प्लस वन आर पावर फोर माइनस वन, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फोर। अब हम जो जानते हैं वो समझ लो, वी नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, ए प्लस बी की वैल्यू ए आर है थ्री, ए कॉमन निकाला वन प्लस आर इज इक्वल टू थ्री, तो वन प्लस आर इज इक्वल टू थ्री अपॉन ए। सेम तरह से सी प्लस डी इज इक्वल टू ट्वेल्व है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू ट्वेल्व, ए इंटू आर स्क्वायर कॉमन निकालो वन प्लस आर इज इक्वल टू ट्वेल्व, वन प्लस आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दो, ए इंटू आर स्क्वायर वन प्लस आर की वैल्यू है यहाँ पे थ्री अपॉन ए, तो ये थ्री अपॉन ए इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो ए ए कैंसल, ये थ्री फोर जा, मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू फोर हो गई, आर की वैल्यू हो गई टू प्लस या माइनस, ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप आर स्क्वायर की लिख सकते हो। तो हमें तो काम है इक्वेशन, इसमें देखो फ्रॉम इक्वेशन फोर आपके पास ये है कि क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, आर पावर फोर प्लस वन आर पावर फोर माइनस वन। यहाँ से मैं आर पावर फोर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर स्क्वायर अगर फोर है तो आर पावर फोर सिक्सटीन हो जाएगा, मतलब ये कि यहाँ पे आर पावर फोर की वैल्यू सिक्सटीन प्लस वन सिक्सटीन माइनस वन दैट इज़ नथिंग बट 17 अपॉन 15। तो जो हमें प्रूव करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करें इसको। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन सेम क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज एम इज टू एन, शो दैट ए इज़ टू बी इज इक्वल टू ए वाला। ठीक है, आपको रेशियो दिया है ए एम अपॉन जी एम ऑफ दो जो नंबर है उसका, तो वो रेशियो क्या है, एम अपॉन एन, इसको इक्वेशन वन बोलो। अब ए एम क्या होगा वो आपको पता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, एंड जी एम क्या होगा वो भी आपको पता है, अंडर रूट ए इंटू बी, बराबर। दोनों की वैल्यू यूज़ करते हैं, इसको इक्वेशन टू बोलो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मैं यहाँ पे ए एम की वैल्यू क्या लगाऊंगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू रूट ए बी, बराबर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अगर मैं इसका कंपोनेंट और डिविडेंडो वाली जो चीज़ है वो अगर हम अप्लाई करें, तो ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, आपको पता है ना ए अपॉन बी है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो ये एम प्लस एन, एम माइनस एन, यहाँ पे जो चीज़ बनी है ना वो यूनिक चीज़ है, अगर शानदार बच्चा है उसको पता चल जाएगा ये क्या है, राइट। मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ए स्क्वायर माइनस टू रूट ए बी प्लस रूट बी स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, एम प्लस एन, एम माइनस एन, क्लियर है, समझो इसको। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर ये क्या मिलेगा हमें, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा रूट एम प्लस एन, रूट एम माइनस एन, बराबर। अब समझो इधर से ए और बी निकालने का एक ही रास्ता है कि अगेन कंपाउंड और डिविडेंडो करते हैं, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, आई होप आप लोग समझ रहे हो, माइनस रू एम माइनस एन, यहाँ पे बी कैंसल ए कैंसल, टू रूट ए टू रूट बी इज इक्वल टू जो भी बचा है वो लिख दो, एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन, रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन, टू टू कैंसिल करना है हमें, और फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये ए अपॉन बी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, तो उसके हिसाब से ये एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस टू रूट एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन रूट के अंदर, प्लस एम माइनस एन रूट के अंदर उसका स्क्वायर, सेम चीज़ नीचे यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस, और प्लस में ये एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ए अपॉन बी ये हो जाएगा एम प्लस एन प्लस टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन, एम प्लस एन माइनस टू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन। देखो तो अब क्या होगा, एन एन कैंसल, यहाँ पे अगेन एन एन कैंसल, तो जो चीज़ बची है कुछ ऐसी बचेगी आपके पास कि टू एम, ये m और ये m, प्लस
प्लस टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, टू एम माइनस टू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए अपॉन बी। ठीक है चलो आगे, टू कॉमन निकाल दो तो ये एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए अपॉन बी, वही हमें प्रूव करना था। बराबर, ये भी बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको वरना फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन 20 नंबर। ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखो, ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी, वन अपॉन सी वन अपॉन डी वन अपॉन ई आर इन ए पी, देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। गिवन क्या है वो पहले ये समझ लो, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, ये ए पी में है तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू बी, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर वन। फिर ये भी बोला है कि बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सी इज इक्वल टू रूट बी डी, इक्वेशन नंबर टू। बराबर, तीसरा ये भी बोला गया है कि वन अपॉन सी वन अपॉन डी एंड वन अपॉन ई आर इन ए पी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वन अपॉन डी इज इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ई होल डिवाइडेड बाई टू, मतलब कुछ ऐसा कि वन अपॉन डी इज इक्वल टू ई प्लस सी अपॉन टू सी ई। बराबर, ओके चलो, तो इधर से ये भी बोल सकते हैं कि अगर डी की वैल्यू चाहिए तो ये उल्टा हो जाएगा टू सी ई अपॉन सी प्लस ई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थ्री, जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। राइट चलो, अब हमें प्रूव क्या करना है वो समझो, आपको प्रूव करना है कि ए सी ई जो है वो जी पी में है, मतलब वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव ए कॉमा सी कॉमा ई आर इन जी पी। अगर इसको जी पी में लेना है तो ए मल्टीप्लाई ई, मतलब अंडर रूट ए ई इज इक्वल टू सी, या फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई प्रूव करना है आपको। ठीक है तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको वैल्यू यूज़ करनी है और कुछ नहीं, तो काम बन जाएगा आपका। बराबर चलो देखते हैं, आपके पास जो वैल्यू है बी और डी की वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये हमारा प्रूव है सी स्क्वायर इज इक्वल टू। बराबर, तो देख लो, एक तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हम सी स्क्वायर से स्टार्ट कर दे, फिर आपको पता है कि इक्वेशन हमारा टू ये बोल रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी होगा। ठीक है तो ये रहा बी इंटू डी, आपके पास बी की वैल्यू भी है डी की वैल्यू पे वन और थ्री पे से, तो बी की वैल्यू है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू और डी की वैल्यू है टू सी ई अपॉन सी प्लस ई फ्रॉम वन एंड थ्री। क्लियर है यहाँ तक? तो अब समझो आगे, ये जो भी हम लिख रहे हैं वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख रहे हैं, तो ऊपर का ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वो समझ लो, आपके पास ये बचा है, ये सी जो है यहाँ से हटेगा, यहाँ से ये भी हटेगा, तो सी एक ही बार बचेगा, मतलब कि ए प्लस सी इंटू ई अपॉन सी प्लस ई, ये सी को इधर ले जाते हैं, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ई ए प्लस सी ई, ये सी ई कैंसल एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू ए, जो कि हमें प्रूव करना था। इधर से ये पता चलता है कि ए सी एंड ई आर इन जी पी। बराबर, ओके सो हैंस प्रूव्ड। आज का होमवर्क जो है उस समझ लो 15 to 20, मोस्टली सारे क्वेश्चन आईएमपी है,
सो अच्छे से प्रैक्टिस करो और ख़त्म करो। 21 नंबर का मैंने करवा दिया है, कल हम 22 से आगे देखेंगे। यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।